six food so in this chapter we will study about why do we need food meal times food we get from plants and animals so we are going to cover all these points in this chapter do you remember look at the pictures a picture of girl is given and picture of a lady cooking food is given then questions are asked व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर गर्ल क्या कर रही है पिक्चर में शी इज इटिंग सो वी हैव टू राइट एंसर इज ईटिंग वॉट इज द मदर डूंग इन दिक्चर मदर क्या कर रही है पिक्चर में शी इज कुकिंग सी डबल ओ के आई एन जी कुकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिंग खाना पका रही है तो हम क्या बोलते हैं खाना बनाने को कुकिंग एंड गर्ल इज ईटिंग वाई डू बी नीट फूड हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है वी नीट फूड टू लिव हमें फूड की जरूरत जीवित रहने के लिए पड़ती है इट गिवस अस एनर्जी टू डू वर्क फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव फूड हमें हेल्दी मीन्स स्वस्थ और एक्टिव मीन्स वेरी बिजी विथ पर्टिकुलर टास्क हमें फूड एक्टिव रखता है और हेल्दी रखता है देखिए मीनिंग ऑफ एक्टिव इज गिवेन यर बिजी विथ अ पर्टिकुलर टास्क जब हम किसी भी काम में बहुत बिजी रहते हैं पूरा टेंशन प्रोवाइड करते हैं पूरे ध्यान से काम करते हैं तो उसे हम एक्टिव होने के मूड में हम बोलते हैं वी आर वेरी एक्टिव उस मोड को हम क्या कहते हैं एक्टिव मोड सो इन दिस वे हमने पढ़ा फूड की जरूरत हमें किस किस लिए पड़ती है वाई डू वी नीट फूड वी नीड फूड टू लिव इट अस एनर्जी टू डू वर्क फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव नो नेक्स्ट पेज हियर फूड इज रिटन तो फूड कौन कौन से वर्क में हमारी हेल्प करता है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है फूड की हेल्प से हम क्या क्या -कर, कर पाते हैं क्यों हमारे लिए फूड एसेंशियल है वो यहाँ पर एरोज में मेंशन किया गया है फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले तो फूड क्या करता है फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए और खेलने के लिए काम करने के लिए और प्ले मीन्स खेलने के लिए देन सेकेंड मेक्स अस अ स्ट्रांग एंड हेल्दी ये बॉय बोल रहा है कि फूड हमारी किस तरह से हेल्प करता है फूड हेल्प्स अस फूड मेक्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी फूड हमें स्ट्रांग बनाता है और हेल्दी बनाता है स्ट्रांग मीन्स मजबूत हेल्दी मीन्स स्वस्थ अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे सीरियल्स खाएंगे पल्सेस खाएंगे एक्यूरेट अमाउंट में हम फूड लेंगे हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमारी मसल्स स्ट्रांग होंगी हमारे पास पावर आएगी और हम हम हमेशा हेल्दी रहेंगे वी विल स्टे हेल्दी लुक एट थर्ड पिक्चर हेल्प अस हेल्प्स अस ग्रो नाउ द गर्ल इज टेलिंग वो बोल रही है फूड हेल्प्स अस ग्रो खाना हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है हमारा शेप एंड साइज एक्सपैंड होता है हम बड़े होते हैं ग्रो अप होते हैं क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ फूड किसकी वजह से जो खाना हम खा रहे हैं जो भोजन हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है देन हेल्प्स अस फाइट इलनेस एंड स्टे फिट द बॉय इज परफॉर्मिंग योगा ये बॉय क्या कर रहा है योगा परफॉर्म कर रहा है और वो बोल रहा है फूड हेल्प्स अस फाइट इल्नेस एंड स्टे फिट फूड हमारी कैसे हेल्प करता है फूड हमारी हेल्प करता है हमें फिट रख के और हमें हमारी बॉडी को वो इल्नेस से बचाता है इलनेस मीन्स बीमारियाँ डिसीजेज ऑफ फैवरल काइंड हमारी बॉडी बहुत जल्दी से बीमार नहीं होगी हमारी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेंथ रहेगा स्ट्रांग रहेगी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और बीमार नहीं पड़ेगी अगर हम हेल्दी फूड या तो हेल्दी डाइट अपना मेंटेन करेंगे। द रॉन्ग वर्ड्स ट्रू फॉल्स करिए या तो आप टिक और क्रॉस करिए। फूड मेक्स अच्छा खाना हेल्दी फूड हमें बीमार करता है ये लिखा हुआ है ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है सो वी है क्रॉस भी लगा सकते हैं आप फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें ताकत प्रोवाइड करता है खेलने के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट राइट लिखना है राइट right टिक करना है वी कैन लिव विदाउट फूड हम बिना फूड के भी जीवित रह सकते हैं नो इट इज़ रॉन्ग विदाउट फूड वी कांट लिव वी फॉल्स है फूड हेल्प्स अस टू ग्रो फूड की हेल्प से फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में हमें बढ़ने में हेल्प करता है ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू is इट इज राइट मील टाइम्स topic नेक्स्ट टॉपिक इज मील आई ईट ब्रेकफास्ट इन morning. इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे तो बच्चों हम अपना ब्रेकफास्ट कब करते हैं द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट जब सुबह उठ के ब्रश करके वॉट एवर वी ईट जो भी हम खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं तो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का फर्स्ट मील होता है डे का फर्स्ट मील होता है पहली बार जो हम भोजन करते हैं सो के उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं आई ईट लंच इन द आफ्टरनून और आफ्टरनून में हम क्या खाते हैं वी ईट लंच हम लंच करते हैं आई ईट डिनर इन द इवनिंग और हम डिनर कब करते हैं इवनिंग या नाइट में इवनिंग में हम स्नैक्स भी खाते हैं और नाइट में हम डिनर करते हैं

तो उसमें दोनों चीजें होती हैं कुछ ब्रेकफास्ट के आइटम्स भी होते हैं और लंच के आइटम्स भी होते हैं तो जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के आइटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम ब्रंच कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रंच फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी वो खाना वो भोजन जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टूडेंट्स so हमें खाना कहाँ से मिलता है वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स वी गेट राइस वीट नट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स सो प्लांट्स से हमें कौन कौन सा खाने के लिए आइटम मिलता है राइस मिलता है और भी काफी सारे सीरियल्स मिलते हैं लाइक बाजरा मेज बार्ली एट्सेट्रा वीट देन नट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल दिज आइटम वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग पल्स ऑल्सो दालें भी मिलती हैं हमें प्लांट्स से फूड वी गेट फ्राम एनिमल्स तो कौन कौन से फूड आइटम हमें एनिमल्स से मिलते हैं एनिमल्स ऑल्सो गिवर्स फूड एनिमल भी हमें भोजन देते हैं वी गेट फूड लाइक मिल्क मीट फिश एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स

अंडर द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड क्रॉस अंडर द फूड आइटम्स वी गेट फ्राम एनिमल्स तो हमें जो प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलता है उनके नीचे हमें राइट right लगाना है और जो प्रोडक्ट्स इनमें से हमें एनिमल से मिलता है उनके नीचे क्रॉस लगाना है एग कम्स फ्रॉम एनिमल एनिमल से मिलता है न एग टू पुट क्रॉस हीयर हमें क्रॉस लगाना है एप्पल किसका प्रोडक्ट है प्लान्ट प्रोडक्ट है प्लांट से मिलता है हमें सो वी हैव टू पुट राइट हीयर मीट मीट किसका प्रोडक्ट है एनिमल का प्रोडक्ट है क्रॉस लगाइए कॉलीफ्लावर एंड ऑल दीज नट्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स सो पुट राइट हियर इन द कॉलम्स की टर्म्स मील वॉट डू यू मीन बाई मील मील हम किसे कहते हैं डेफिनेशन बेटा पूरी रिमेंबर करनी है आपको लर्न करनी है सारी डेफिनेशन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर मील एन लोकेशन वेन पीपल सिट डाउन टू ईट फूड स्पेशली ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जब हम खाना बैठ के खाते हैं कभी जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं लंच लेते हैं डिनर लेते हैं तो ये क्या है These आर द मील्स विच we आर टेकिंग इस टाइम को जो हम बैठ के खाना खा रहे हैं इन्हें मील्स कहते हैं देन आफ्टर ब्रेकफास्ट द मील दैट वी ईट इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में खाया जाने वाला खाना ब्रेकफास्ट कहलाता है द मील दैट वी ईट इन द आफ्टरनून जो हम दोपहर में खाना खाते हैं उन्हें हम उसे हम लंच कहते हैं और वो मील जो हम इवनिंग में लेते हैं या तो नाइट में लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिनर दिस वॉज योर चैप्टर गुड बाय एवरी वन